नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 6 पॉइंट्स जो कि किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते हैं। आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आप 12 सालों तक स्कूल में गए हैं, उससे पहले आपने केजी नर्सरी करी है और लगभग 17 से 18 सालों तक आपने शिक्षा को ग्रहण किया है हमारे हिंदुस्तानी जो पद्धति है। पर यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो अभी तक भी हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, चाहे होटल मैनेजमेंट बोल दीजिए या कोई सी भी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, वो अब भी मिस करती है। जिसके कि कारण आपने देखा होगा हमारे जो परसेंटेज है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ही ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो लोगों की तरक्की करने की या उनके जो आप बोल दीजिए प्रमोशंस होते हैं बड़े लेट होते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स मैंने लगभग यहाँ 6 चीज़ें बताई है जो कि हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं होती है। पर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होगी अगर आपको अपनी कैरियर में, अपनी लाइफ में ग्रो करना है, सक्सेस हासिल करनी है, पैसा हासिल करना है और सबसे बड़ी बात अपने देश को आगे ले जाना है। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। सबसे पहला जो हमें नहीं सिखाया जाता है हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर वो होता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, हमें किस प्रकार से कम्युनिकेशन करना चाहिए। आपने देखा होगा अगर आपको एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्म भी भरना होता है तो आप किसी एक ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो कि आपके लिए वो काम करेगा, या फिर आपको एक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म भी भरनी है ऑनलाइन तो आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके बोलते हैं कि भैया मेरा फॉर्म भर दो और वो वहाँ पे अपने पैसे चार्ज करता है। यहाँ पे मैं किसी पे बिज़नेस को नहीं बोल रहा कि वो ख़राब है गलत है, पर यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें जो एक्चुअली में जिनकी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है नहीं सिखाई जाती है। दूसरा, कम्युनिकेशन से यहाँ मेरा सिर्फ लिखने का नहीं है, हमें बोलना भी नहीं सिखाया जाता है, हमें ये भी नहीं बताया जाता है कि किस प्रकार से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है समाज के आगे। किस तरीके से अगर मुझे एक स्टेज पे बोलने के लिए बोला जाए जिससे कि मैं अपनी चीज़ें लोगों को बता पाऊँ, वो हमें कभी नहीं सिखाया जाता। आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये कम्युनिकेशन की जो पावर है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। तो जो भी अगर शिक्षा से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स मैं जो बता रहा हूँ प्लीज़ आप इन्हें अपनी हमारी शिक्षा नीति में डालने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा हो। दूसरा, यहाँ पे जो हमें नहीं सिखाया जाता है कि हाउ टू थिंक, हमें किस प्रकार से सोचना है। हम लोग ब्लाइंडली जो भी हमें किताबों में लिखा रहता है उन्हें उनको सोचने समझने के लिए बोला जाता है, पर यहाँ हमें क्या सोचना है, क्योंकि अगर मैं जो सोचूंगा मैं वही कर पाऊंगा, अगर मैं कुछ सोचूंगा नहीं तो मैं बिल्कुल ही पागल हूँ। तो यहाँ पे हमें किस प्रकार से सोचना है वो नहीं सिखाया जाता है। अगर हमें ये सिखाया जाने लगे कि आपको सोचना भी क्या है और किस तरीके से सोचना है, क्योंकि जब मैं सोचूंगा तो मैं अपने बेनिफिट के लिए सोचूंगा, अपने देश के बेनिफिट के लिए सोचूंगा, पर हमारी शिक्षा नीति से बिल्कुल ही गायब है और इस चीज़ के बारे में कोई बात करता ही नहीं है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे हाउ टू सेल, हमें बेचना कैसे है हमें ये नहीं सिखाया जाता है। हमको लगता है कि कोई भी हमें अपनी चीज़ें बेच रहा है तो वो एक सेल्समैन है, जैसे कि मैं आपको अपनी बुक्स बेचता हूँ तो आपको लगता है कि मैं एक सेल्समैन हूँ, पर यहाँ पे अपने आप को बेचने का मतलब है कि जब आप अपनी चीज़ें, या सेलिंग का मतलब ये कि जब आपके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती है, आप एक इंजीनियर बन जाते हो तो किस प्रकार से ज़्यादा सैलरी ले पाऊँ। मैं एक शेफ हूँ, मैं अपने क्राइटेरिया के अंदर बैठ के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान सकूँ, पहचान सकूँ, अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर कर सकूँ, तो इसको सेलिंग बोलते हैं। और सेलिंग का यहाँ पे कम्प्लीटली एक गलत मतलब के तौर पे यहाँ लोगों को समझाया गया है। यहाँ पे समझाया गया कि जो अपनी चीज़ें दूसरों को बेचता है वो एक तरीके से लालची है, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यही सारी चीज़ें हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन से मिसिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा हाउ टू मैनेज एंड इन्वेस्ट योर मनी। हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें अपने पैसों को मैनेज करना है। चाहे आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप 12,000 रुपये 15,000 रुपये कमा रहे हैं, आपको नहीं सिखाया जाता है कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे आपको उनको इन्वेस्ट करना है। अगर एक बच्चे को अगर जो 18 साल में या 22 साल में नौकरी लग जाता है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद, अगर वो सिंपल से एक LIC भी कर लेगा या कोई भी कंपनी की पॉलिसी ले लेगा तो 50 सालों बाद उसको कई लाखों रुपए मिल जाएंगे। पर यहाँ पे जैसे ही वो पैसे कमाने लगता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले आती है कि भाई मैं एक बाइक खरीद लूँ या घर को सारे पैसे देने लग जाऊँ, उसको जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग अपनी एजुकेशन दे रहे हैं तो लगभग 10वीं के बाद हमें किस प्रकार से अपने पैसे को मैनेज करना है, किस प्रकार से अपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिखाना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे इंश्योरेंस क्या होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग कभी भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हम
बच्चों को 11वीं या 12वीं से सिखाने लगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और जिसका आगे की जाके हमारे समाज पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें यहाँ से उनको उनको जो आपको मैनेज मनी को मैनेज करने की चीज़ें भी सिखानी चाहिए। इसके बाद जो पाँचवा पॉइंट ले रहा हूँ वो है हाउ टू फाइंड योर पैशन। हमें सिखाना होगा अपने बच्चों को कि जो वो कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर उनके अंदर एक्चुअल में जो पैशन है, मेरे अंदर पैशन था कि मैं लोगों को शिक्षा दूँ, लोगों को सिखाऊँ, तो मैं उस पैशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपके अंदर सिंगिंग का पैशन हो सकता है, बसरते आप चाहे एक डॉक्टर हैं। आपके अंदर एक पेंटिंग का एक पैशन हो सकता है, चाहे आप एक शेफ हैं। तो आपके अंदर कुछ भी हो सकता है, पर आपको अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और किस प्रकार से उसको एज अ पैसिव इनकम के रूप में आपको लेना है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। तो यहाँ पे ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता है, हमें नहीं सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम अपने पैशन को ढूंढें और उसका यूज़ करके हम और ज़्यादा इनकम करें। सबसे लास्ट में मैं यहाँ ले रहा हूँ जो कि सबसे आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू एक्सेप्ट अवर फेलियर्स। हमें नहीं सिखाया जाता है कि अगर मैं कहीं पर फेल हो जा रहा हूँ, मैं एक जा रहा हूँ बार जा रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल हताश हो जाता हूँ, मैं कहीं पे फूड ट्रायल देने जाता हूँ मैं बिल्कुल फेल हो जाता हूँ तो मैं हताश हो जाता हूँ। तो हमें नहीं सिखाया जाता है कि किस प्रकार से अगर हम फेल होते हैं एक बार तो हमें फिर से उठ के खड़ा होना चाहिए। हमें यहाँ लगता है कि अगर मैं एक बार फेल हो रहा हूँ तो मैं ज़िंदगी भर फेल हो गया। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी तो चेंज होती रहेगी। अब आपके लिए हर दिन एक नई एक तरीके से आप लोगों के लिए चांसेस लाता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेटर्स होते हैं, हर बार मैदान में जाते हैं, कई बार जीरो पे भी आउट होते हैं, सेंचुरीज भी बनाते हैं, पर हमारे माइंडसेट को ऐसे कभी भी एक इस तरीके से सेट करने की कभी कि हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन में है ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहा है और आप सब स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं या वो सारे एंटरप्रेन्योर, यही सारी चीज़ें जो मिसिंग है हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन से, तो आपको इनके ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर आप इनके ऊपर वर्क करेंगे तो हम लोग लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं साइन आउट करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।